कि राजा ने ये बच्चा है, आप परेशान मत होइए, हम इसको धीरे धीरे बदल देंगे, इसकी विचारधारा को बदल देंगे, थोड़ा मौका और दीजिए हमको। तो ले जाइए, गुरुजी पकड़ के फिर ले आए विद्यालय में वापस। समय बीता और एक दिन गुरुजी को किसी काम से बाजार जाना पड़ गया। गुरुजी गए विद्यालय से बाहर, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने कूदने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, मित्रों आज एक नया खेल सिखाता हूं, चलो। कौतुक बस विद्यार्थी आ गए, नया खेल कौन सा? प्रहलाद जी बोले, मित्रों आंख में चोनी आती है। बोले ये तो पुराना खेल है, जानते हैं। अच्छा तो जानते हो तो बताओ ये खेल कब से प्रारंभ हुआ? बोले ये तो नहीं जानते भैया, खेल जानते हैं, प्रारंभ किसने किया ये नहीं जानते। प्रहलाद जी बोले, तुम्हें बताता हूं, जीवात्मा परमात्मा ये दोनों पक्के मित्र हैं। दोनों बोले, चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। चलो सबसे पहले कौन छुपेगा? आंख मिचौनी सब जानते हैं। जीवात्मा बोले, प्रभु हम छुपेंगे और आप हमें ढूंढेंगे। भगवान बोले, तो जाओ छुप जाओ, किंतु ये याद रखना, मैंने जब तुम सबको ढूंढ लिया तब मैं भी छुपूंगा और तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। बोले पक्की रही। तो महाप्रलय हुआ और प्रलय काल में प्रत्येक जीव परमात्मा के पेट में समा गया। महाप्रलय में क्या होता है? अनंत अनंत समस्त जगत और जीव भगवान में समा जाते हैं। पर भगवान ने जब संसार का सृजन किया तो एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। और जो जीव जगत में छुपे हुए जगदीश को जिस दिन जान जाएगा, उसी दिन जीव का जन्म मरण रूपी खेल खत्म हो जाएगा। और जब तक नहीं जाना तब तक यूं ही भटकना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वेद भगवान कह रहे हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेदीनान्यपन्ता विद्यते यानाय। यजुर्वेद का मंत्र है। इस श्रुति का यही अर्थ है कि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की पीड़ा से बचाने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। नान्यम पंथा विद्यते। इसलिए मित्रों ढूंढो अभी से, अब से ढूंढोगे बचपन से तो बुढ़ापे तक ढूंढ लोगे। बुढ़ापे के भरोसे बैठे रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी मौज मस्ती में संसार में गमा दी, अब बुढ़ापे में तुमने ढूंढने की कोशिश करी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ अरे शरीर ही साथ नहीं देगा, इतनी बीमारियां शरीर में घुस भर जाएंगी कि उन्हीं को संभालते नहीं बनेगा, ब्रह्म चिंतन के लिए कहां समय मिलेगा। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तू ज्ञान तो बहुत जोरदार देता है, पर ये बता ये ज्ञान तुझे कहां से मिला? वही गुरुजी तुम्हारे, वही हमारे, वही विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, उसी में हम पढ़ रहे, परंतु हमने ये बातें किसी से नहीं सुनी जो तू सुनाता है, तो तुम्हारे वचनों पर विश्वास कैसे करें? प्रहलाद जी बोले, सुनो हमारे असली गुरु तो नारद जी हैं। बोले नारद जी को गुरु जी कब बनाया तूने भाई? प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ का अपहरण हो गया इंद्र के द्वारा। देवता असुरों में झगड़ा चलता रहता है, मौके का फायदा सभी उठाते हैं। मेरे पिताजी उस वक्त तपस्या करने गए हुए थे, तो मौके का फायदा उठा के इंद्र ने हमला किया, मेरी माँ को पकड़ के ले गया। मेरी माँ रोई चिल्लाई बचाओ बचाओ, तो नारद जी सामने आ गए, उन्होंने इंद्र को डांट लगाई, शर्म नहीं आती है, गर्भवती स्त्री का हरण कर रहे हैं आप, देवराज इंद्र होकर के ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। इंद्र ने कहा कि ये दैत्य की पत्नी है, एक दैत्य हमें वैसे ही परेशान कर रहा है, दूसरा पैदा होने वाला है। तब नारद जी ने कहा, इसके गर्भ से बालक जो होगा वो दैत्य नहीं होगा, जाति का दैत्य है, परंतु है परम भक्त, ये मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, इसलिए तुम इसको छोड़ो और जाओ। ये सुनकर के इंद्र ने मेरी माँ को प्रणाम किया और छोड़ के चला गया। नारद जी ने मेरी माँ को आश्रम में रख करके अभय दान दिया कि आश्रम में तुम्हें किसी से भयभीत होने की अब जरूरत नहीं है। तो मेरी माँ आश्रम में रही और नारद जी मेरी माँ को बढ़िया बढ़िया उपदेश देते थे, माँ भी सुनती थी और माँ के पेट बैठा मैं भी सुनता था, और मैंने माँ के गर्भ में ही नारद जी को अपना पक्का गुरु मान लिया, सारा उपदेश उनका माँ के गर्भ में सुन करके हृदय में उतार लिया, इसलिए वो ही मेरे असली गुरु है।
विद्यार्थी बोले प्रहलाद तूने कमाल कर दिया भाई, हमारे गुरुजी उस दिन ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, माँ के पेट में ही पढ़ के आ गया भाई। प्रहलाद हमारा तो इतना मन हो रहा है तेरे साथ के खूब गाएं बजाएं नाचें कूदें कीर्तन करें, क्योंकि तेरे चमत्कार हमने बचपन से ही देखे, तो मन हमारा भी होने लगता है चमत्कार को नमस्कार सभी कर। पर भैया तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद आते ही हिम्मत हमारी टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से तुम्हें डर नहीं लगता? अरे जगत पिता जब सिर पर हैं तो फिर हमारे पिताजी क्या बिगाड़ेंगे? जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं वचन दिलाता हूं, देता हूं तुम्हें अपना वचन कि कोई भी संकट आएगा उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा, तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। अरे भैया ये बात है तो अब हमें कोई टेंशन नहीं, चल तेरे साथ कीर्तन करेंगे आज, गुरुजी हैं भी नहीं, रोकने टोकने वाला कोई नहीं, चलो आज बैठ के कीर्तन ही करते हैं। तो खेल खिलाड़ी सब छोड़ करके और ताता थैया नाचने लग गए कीर्तन में। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ गाएंगे और हिरण्यकश्यपु का कोई मित्र हो तो उससे हम जबरदस्ती नहीं गवाएंगे। प्रहलाद जी के साथ ही सब मस्ती में झूमते गाते ने गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सारे विद्यार्थी इतने में गुरुजी आ गए। अरे भगवान कहीं महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले आके मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भाग करके गए हिरण्यकश्यपु के पास, सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी सारे विद्यार्थियों को लग गई, चल के देख लो विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला विद्यालय में, आके क्या देखा सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो
इतना जोड़ का क्रोध आया, हिरण्यकश्यपु ने भयंकर अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया, जो जहां जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। विद्यार्थियों ने जब हिरण्यकश्यपु को क्रोध में भरा देखा, कांप गए। प्रहलाद को इशारा किया, देख वो आ गए, अब संभाल भैया, गारंटी तेरी है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जो गालियां दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेदी कराधमा, प्रहलाद